फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि किंग खान शाहरुख खान की फिल्म पठान को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं, यानी कि आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 9वां दिन है। तो भाई, 8 दिनों में तो भैया इस फिल्म ने कमाई के मामले में रिकॉर्ड्स के झंडे गाड़ दिए हैं। तो भैया, 8 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर राज करने के बाद अब इस फिल्म का 9वां दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा जाने वाला है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म के 9वें दिन के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, पठान को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को 8वें दिन के लिए जो इंडिया से हिंदी लैंग्वेज में कलेक्शन मिल रहा है एडवांस बुकिंग की मदद से, वो आंकड़ा है 3,38,40,870 का। यानी भैया इस फिल्म के आज के लिए 1,74,030 टिकट जो है वो एडवांस बुकिंग के माध्यम से बेचे जा चुके हैं ब्लॉक और अनब्लॉक सीट्स के मदद से। देन उसके बाद इस फिल्म के तेलुगु लैंग्वेज में भी 29,338 टिकट जो है वो ब्लॉक और अनब्लॉक सीट्स के माध्यम से बेचे जा चुके हैं, जिसकी मदद से ये फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में आज एडवांस बुकिंग की मदद से 37,02,035 का एडवांस बुकिंग हासिल करती नज़र आ रही है। देन उसके बाद इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया तमिल लैंग्वेज में भी इस फिल्म के आज के लिए 8,072 टिकट जो हैं वो ब्लॉक और अनब्लॉक सीट्स की मदद से बेचे जा चुके हैं, जिसकी मदद से ये फिल्म आज 8,97,339 का एडवांस बुकिंग हासिल करती नज़र आ रही है तमिल लैंग्वेज में। यानी कि इन तीनों लैंग्वेजों के माध्यम से इस फिल्म के 9वें दिन के लिए 2,11,440 टिकट जो है वो ब्लॉक और अनब्लॉक सीट्स के माध्यम से बेचे जा चुके हैं, जिसकी मदद से ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग हासिल करती नज़र आ रही है तीनों लैंग्वेजों की मदद से। तो भैया वो आंकड़ा है 3,84,40,244 का। यानी कि भैया 9वां दिन भी पठान का बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार जाने वाला है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई पठान ने तो ये बात सिद्ध करके दिखा दी है कि भाई जो 4 साल का गैप शाहरुख खान ने फिल्मी दुनिया से बना लिया था, अब वो 4 साल बाद भैया बॉक्स ऑफिस पर आए हैं तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और भाई उनकी तैयारी इतनी शानदार है कि उसको देखने के बाद भैया कई लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इस फिल्म को लेकर तो बॉयकॉट का माहौल बना हुआ था, तो ये फिल्म इतना कलेक्शन कैसे कर रही है। कुछ लोगों को तो भैया ये बात भोजपुरी में कहता है ना कि घोटा ही नहीं रहा है भाई, कि कैसे ये फिल्म इतना बिजनेस कर ले रही है, घोटा ही नहीं रहा है। तो भैया उन लोगों को लेकर हम क्या कहें, ऑडियंस ने तो पठान को अपना प्यार दे दिया है। ऑडियंस ये बात कह रही है कि भाई ये फिल्म हमें काफ़ी बेहतरीन लगी है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया पठान की इस कामयाबी को लेकर आप ये बात क्या क्या सोच रहे हैं इस फिल्म को लेकर, कि भैया ये कामयाबी पठान को जो मिली है क्या ये शाहरुख खान की वजह से या फिर जनता की प्यार की वजह से, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।